अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई पग पपी लेने वाले हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो प्योर ब्रीड का पग है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको डॉग फूड, डॉग शैम्पू और डॉग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हैं, उन लिंक्स पे क्लिक करके आप उन्हें खरीद सकते हैं अपने डॉग के लिए। दोस्तों, इंडिया में पग बहुत ही पॉपुलर डॉग है और बहुत से लोगों के घर में आपने पग को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं और ये अकेले भी रह सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा डॉग चाहिए जो साइज़ में छोटा हो और छोटे फ्लैट्स और अपार्टमेंट में भी रह सके और आपके साथ इजीली कंफर्टेबल हो, तो आपके लिए पग बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन्हें दूसरे मीडियम साइज़ के डॉग्स के जैसे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और इन्हें ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन्हें थोड़ी बहुत तो चाहिए ही। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पग डॉग पपी लेने से पहले कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि वो प्योर ब्रीड का डॉग है या नहीं। दोस्तों, पग को आइडेंटिफाई करने का फर्स्ट स्टेप है आप इनकी मज़ल चेक करिए। पग बहुत से कोट कलर में आते हैं, जैसे कि फॉन, ब्लैक, एप्रिकॉट और सिल्वर फॉन और भी कलर्स में आते हैं, लेकिन इन सब कोट कलर में एक बात कॉमन होती है कि पग का मज़ल हमेशा ब्लैक कलर का होता है और किसी दूसरे कलर में नहीं आता। इनके मज़ल का ब्लैक कलर हल्का सा फेडेड हो सकता है, लेकिन ये ब्लैक की शेड में ही होता है। सेकेंड स्टेप है, आप इनका फेस और फेस का शेप चेक करिए। पग का फेस फ्रंट से सर्कल की शेप में लगता है और अगर आप उसे साइड से देखेंगे तो वो आपको स्क्वायर की शेप में दिखेगा। पग का जो मज़ल होता है वो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है और इनके फेस में बहुत से रिंकल्स भी होते हैं। जैसे कि बताया, पग की मज़ल पीछे की तरफ दबी हुई होती है और ये पोमरेनियन और बीगल जैसे डॉग्स की तरफ पॉइंटेड नहीं होती। पग के आईज भी थोड़े बड़े साइज के होते हैं। थर्ड स्टेप है इनके ईयर्स। पग के ईयर्स ट्रायंगल की शेप में आगे की साइड नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं और पग चाहे किसी भी कोट कलर का हो, इनके ईयर्स के टिप हमेशा ब्लैक कलर या फिर डार्क ब्राउन कलर में होते हैं। फोर्थ स्टेप है इनकी टेल। पग की टेल ऊपर की तरफ कर्ल्ड होती है और इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। इनकी टेल नॉर्मली एकदम स्ट्रेट या फिर नीचे की तरफ झुकी हुई नहीं होती। अगर आपको कोई ऐसा पग पपी दिया जा रहा है तो शायद वो प्योर ब्रीड का ना हो, क्योंकि पग की टेल हमेशा ऊपर की तरफ ही कर्ल्ड रहती है। फिफ्थ स्टेप है इनका कोट। ये फॉन, ब्लैक, एप्रिकॉट और सिल्वर फॉन जैसे कोट कलर में आते हैं, लेकिन इनका बस फेस और ईयर्स ही ब्लैक कलर के होते हैं। बाकी बॉडी पे कोई मार्किंग नहीं होती, जैसे ब्लैक के ऊपर कोई वाइट मार्किंग या फिर फॉन के ऊपर कोई अलग से ब्लैक कलर की मार्किंग। लेकिन इनके चेस्ट के पास इनका कोट कलर थोड़ा फेडेड हो सकता है। पग की प्राइस इंडिया में अराउंड 8,000 to 14,000 रुपीज़ तक हो सकती है और ये इजीली बहुत से ब्रीडर के पास मिल सकते हैं इंडिया में। पग की एवरेज लाइफ स्पैन 12 से लेके 15 ईयर्स तक हो सकती है। आप जिस ब्रीडर से पग पपी ले रहे हैं उसके रजिस्ट्रेशन पेपर ज़रूर चेक करिए और अगर वो KCI रजिस्टर्ड है तो वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे मदर की हेल्थ कैसी है, मदर का टेम्परामेंट कैसा है, वो पपीज़ प्योर ब्रीड के हैं या नहीं और वो हेल्दी है या नहीं, और ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो आपको प्योर पग पपी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। और पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।